अस्सलाम वालेकुम। दारे रकम स्कूल की जानिब से मैं हूँ आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड टू की मैथ। ग्रेड टू की जो हमारे पास बुक है वो है न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन। इसमें हमारा यूनिट नंबर वन है नंबर्स। इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, मैं आपको अपनी प्लानिंग के हवाले से बता देता हूँ। जो हमारी आपके पास साइंस की वर्कबुक होगी, ठीक है, आपके कोर्स में मौजूद है, आपकी सेकेंड क्लास की साइंस की वर्कबुक में लास्ट की तरफ अगर आप जाएं तो लास्ट के पेजेस पे आपको न्यू काउंटडाउन बुक टू फर्स्ट टर्म प्लानिंग, ये आपको एक पूरा प्लानर बना के दिया गया है। इसमें वीक वाइज डे वाइज सारी प्लानिंग मौजूद है कि किस प्लानिंग के हिसाब से कौन सा काम हो, ठीक है। ये देखने के बाद हम आते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले जो हमारी आज की डायरी है वो है पेज नंबर वन और टू पे जो हमारा काम है वो हमने करना है, ठीक है। यूनिट वन हमारे पास है नंबर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, पेज नंबर वन पे ये कह रहा है लुक एट द नंबर क्रंचेस, व्हाट नंबर कम्स आउट एट द अदर एंड, वन इज डन फॉर यू, ठीक है। आपने देखना है कि ये जो नंबर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस जूसर मशीन टाइप की इस चीज़ में, ये ऊपर से नीचे आते आते लास्ट में हमारे पास बकेट में कौन सा नंबर बनेगा। एक एग्जांपल इसने सॉल्व करके दी हुई है, 8 + 9 - 2 हमारे पास क्या बना, 15, ठीक है। ये इसने एक एग्जांपल आपको बना के दी हुई है। अगली एग्जांपल आगे से जो हमारा काम है वो हम खुद करेंगे, पार्ट बी हम कर रहे हैं। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है 12 - 4 हमारे पास क्या होता है, 8, 8 / 2 = 4, 4 + 14 एंड में हमारे पास आ गया 18, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो पार्ट सी है वो है 24 - 14, 24 में से 14 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 - 14 = 10, 10 × 2 = 20, 20 + 7 = 27, 27 + 20 = 47, ठीक है। पार्ट डी और पार्ट ई, ये दो पार्ट आपने खुद करने हैं घर से, ठीक है। ये पेज नंबर वन कंप्लीट। शुरू के एक एग्जांपल ए बुक वालों ने पहले से सॉल्व की थी, एग्जांपल बी और सी मैंने सॉल्व करके दी थी, डी और ई आपने खुद करने। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमें डायरी में हमारा पेज गिवन है वो है पेज नंबर टू, जिसमें हमारा टॉपिक है ग्रेटर देन और लेस देन का। इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है, विच वे शुड हंगरी क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ। इन्होंने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को जो है वो क्रोकोडाइल के मुंह से मुशाबे दिए, क्योंकि उसका जो साइन होता है वो यूँ होता है, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। तो उन्होंने बच्चों की आसानी के लिए ये कहा है कि क्रोकोडाइल का मुंह, यानी जो ये साइन का जो ओपन एरिया है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन हो रहा है, वो कौन सी जगह होगा, वो बिगर नंबर की तरफ होगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, सिंपली आसानी के लिए इसने कर दिया है कि जो आपका बिगर वैल्यू है उस तरफ आप इसका मुंह खोल दें तो आपका ग्रेटर देन और लेस देन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हम देख लेते हैं एग्जांपल ए। एग्जांपल ए में हमें दिया हुआ है 18 और 19 में बिगर नंबर है 19, तो हम इसका मुँह खोल देंगे 19 की तरफ। ये हमारे पास क्या हो गया, 18 < 19, ठीक है। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल बी, इसमें 14 और 24 है, 14 और 24 में बिगर वैल्यू है 24, तो इसका साइन आ गया यूँ, इसका मुंह खुल गया 24 की तरफ। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है 14 < 24। पार्ट सी की तरफ आते हैं, इसमें भी सेम यही चीज़ है, 29 की तरफ मुंह खुलेगा तो क्या होगा, 21 < 29। अब यहाँ आते हैं एग्जाम्पल डी, एग्जाम्पल डी में भी सेम 76 और 81, इस दोनों में बिगर कौन सा है, 81 है, तो 81 की तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे, तो हमें क्या कह रहा है, 76 < 81। आगे चलते हैं पार्ट ई में, पार्ट ई में जो है 53 और 51 में बड़ा कौन सा है, 53, तो हम इसका मुंह किस तरफ खोल देंगे, 53 की तरफ। तो ये अभी हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है 53 > 51, ठीक है। बाकी में ये क्या कह रहा था, 18 > 19, 76 < 81, यहाँ ये क्या कह रहा है, 53 > 51। आते हैं एफ पे, एफ पे 40 और 51 में बड़ा कौन सा है, 51 है, तो 51 की तरफ मुंह खोल देंगे तो ये क्या कह रहा है, 40 > 51।
एग्जाम्पल ए से लेकर एफ़ तक मैंने आपको करवा दी, नीचे की तीन एग्जाम्पल जी एच और आई आपने खुद करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना इसी पेज पे, पेज नंबर टू पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट द नंबर डेट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हमने क्या करना है, यहाँ हमें जो है बाद वाले नंबर दिए हुए हैं इसमें हमने इससे पहले वाले नंबर लिखने, यहाँ हमें पहले वाले दिए हुए इसमें बाद वाले लिखने, यहाँ पहले और बाद वाले दिए हुए बीच वाला लिखना है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी आप खुद करना है। सबसे पहले इसने हमें दिया हुआ है 29, तो इससे पहले क्या आएगा 28 लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है इसने 54 से पहले वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है 53, 11 से पहले 10, 70 से पहले 69, ठीक है। ये यहाँ तक मैं आपको कर रहा हूँ, लास्ट की तीन एग्जांपल आपने खुद करनी है। आगे चलते हैं आफ्टर पे, आफ्टर में 34 के बाद 35, 77 के बाद 78, 29 के बाद 30, 40 के बाद 41, इसमें भी लास्ट वाले तीन आपने खुद करने हैं। आगे चलते हैं बिटवीन में, शुरू में इसने दिया 22, 24, बिटवीन में क्या आता है 23, 39, 41, 39 और 41 के दरमियान क्या आता है 39 और 40, फिर 41, 98, 100, इनके दरमियान क्या आता है 99 और 100, 55 और 57, इसके दरमियान क्या आता है 56, तो हमारे पास क्या बना 55, 56 और 57, इसके भी लास्ट के तीन एग्जांपल आपने खुद करनी है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, हमने आज पेज नंबर 1 पढ़ा यूनिट नंबर 1 का, ठीक है। पेज नंबर 2 हमने देखा है इस पर कौन सा काम है, वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल मैंने करवा दी। पेज नंबर 1 की भी आपने दो एग्जांपल करनी है, पेज नंबर 3 की आपने तीन करनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की भी, क्वेश्चन नंबर 3 की भी। अल्लाह हाफिज़।